ठाकरे की पार्टी, उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम हैं और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं, तो उनको कभी सफलता नहीं मिलेगी। चुनाव में पहली बार न्यूज 18 आपके समक्ष लेके आ रहा है देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बिताए हुए 14 घंटे। अब हम झालसगुड़ा से चलेंगे संभलपुर की तरफ। प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। वो भी जान रहे हैं, उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद।